पता है बहुत सारे लोग हैं बोलने वाले, लेकिन एक चीज मैं और दोहराना चाहती हूँ। दत्तू की एक कविता मुझे बहुत अच्छी लगती थी और अक्सर इतने सालों में मैं जगह जगह उस कविता का इस्तेमाल, अच्छी लगती है इसलिए मैं जरूर सुनाऊंगी। दत्तू भी सुनते थे और कहते थे तूने इस कविता को सुना सुना के इतना मशहूर कर दिया कि बस पूछो मत। लेकिन मैं एक बात बताना चाह रही हूँ, यही इस कौन में हेमा जी की मम्मी का जब हम दे रहे थे श्रद्धांजलि, तो मैंने दत्तू साहब के बैठे हुए थे और वो कविता पढ़ी। और उसके बाद राज कपूर जी की मिसेज कृष्णा भाभी ने आके कहा था दत्तू आपकी ये कविता तबस्सुम जो सुनाती है, मेरी एक वसीयत है कि जब मेरा बेटा हो तो ये कविता जरूर सुनाता। वो कविता में सुनाए बगैर आपको कैसे रह सकती। सुनिए, मौत से कहने लगा यूं एक बशर, मौत से कहने लगा यूं एक बशर, आ गई तू दीना आने की खबर। ऐसे कैसे चल पड़ू मैं तेरे साथ, ऐसे कैसे चल पड़ू मैं तेरे साथ, काम से खाली कहानी मेरे हाथ। मौत बोली यूं न दे तोहमत मुझे, मौत बोली यूं न दे तोहमत मुझे, मैंने कितनी बार चौंकाया तुझे। इतला पहली उड़ा बालों का रंग, दूसरे नजरों ने छोड़ा तेरा संग, रफ्ता रफ्ता दाग भी गिरने लगे, दूर तुझसे हो गए तेरे सगे, तेरे घर तेरे मोहल्ले तेरे गांव रोज ही पड़ते रहे हैं मेरे पांव। तूने खुद भी कितनों को कांधा दिया पर कभी मेरा तसव्वुर न किया। उठ कि तुझको आराम ही दरकार है, चल कि तेरी पार्टी भी तैयार है। हमें नहीं पता था 9 अक्टूबर को दत्तू की पार्टी तैयार हो जाएगी और हम सबको छोड़ के चले जाएंगे, पतवारों की आत्मा को शांति दे और उनके हर चार जमाने को उनकी जुदाई बर्दाश्त करने का हौसला और हिम्मत दे। जिनके बहुत सारे नृत्य नाटिकाओं में रविंद्र जैन जी ने गीत और संगीत की रचना की, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि रविंद्र गीत संगीत तैयार करते थे, गीत को आधार बनाकर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के पर्याय जैसे रहे। नृत्यांगना और सांसद खेमा रानी जी से मेरी निवेदन है और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। खेमा रानी जी प्रणाम। सोचा ही नहीं था कि बहुत ही दुख होता है मुझे
क्योंकि वो हमारे नाट्य विहार कला है जिनके एक पिलर थे, उनके बगैर हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे कलाकार बन सकते हैं। उन्होंने एक एक मेरे बैलेंस का जीवन दिया है। इतना नॉर्मल कहानी है, सब लोग जानते हैं, तो कथाएं हैं, रामायण हो, दुर्गा हो या राधा कृष्ण हो, लेकिन उनको एक अलग ही मतलब निकाल कर जो उन्होंने हमें दिया है उसके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। जैसा द्रौपदी जो पहले किया था, मेरा एक्सपीरियंस है, एक बुक पढ़कर मैंने मैं बहुत प्रभावित हुई थी और मैंने कहा इसके ऊपर मुझे नृत्य नाटिका बनाना है। तो हमारे तो साथी तो हमेशा भूषण मेहंदी जी हैं, वो मैं और दादा तीनों मिलकर ही जितना भी क्रिएट किया। अभी मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि उनके बगैर मैं कुछ कर सकूँगी। तो द्रौपदी जब बनी थी तो वो बुक पढ़कर जैसे जैसे मैंने कहा उसका उन्होंने 10 times मोर इतना सुंदर सुंदर सब मीनिंग निकाल कर बना दिया। जब मैंने एक टीवी सीरियल बनाई थी उर्वशी, तो मैंने कहा उर्वशी मस्ट बी अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन, उनके बारे में कुछ जैसा पूर्वाग्रह देखा तो उनको क्या इंप्रेशन होता। उन्होंने ऐसा गीत लिखा, ऐसा एक डिस्क्रिप्शन दिया एक सुंदर नारी का कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी सुंदर कोई हो सकती है। दादा भले देख नहीं सकते हैं लेकिन वो मन की आंख से कितना देखते हैं, कितना सुंदर एक एक चीज़ों को उन्होंने लिखा है। आप शिव जी को कहिए तो ऐसा लगता है कि वो उनको साक्षात और शिव जी को देख रहे हैं। एंड देन ही राइट्स, देन ही डिस्क्राइब्स दैट पर्सन, दैट आई मीन द लॉर्ड, लॉर्ड को बारे में हम लोग जो भी सुना है उनके मुंह से जो हम सुनते हैं वो कुछ और ही है। ऐसे ही कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, एक एक कैरेक्टर्स को जो उन्होंने जीवित किया वो मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैंने मेरी एक इच्छा थी गंगा बैले मैं उनके साथ करूँ, काफ़ी उसके बारे में हमने 15 मिनट का छोटा सा बैले भी किया। और दादा हमेशा कहते रहे आप जल्दी से बनाइए मेरे साथ जल्दी से, पता नहीं शायद उनको एक मालूम था या क्या कि वो शायद रहने वाले नहीं हैं। तो अभी भी कुछ 15-20 दिन पहले भी मेरे से कहा हम जल्दी से उसको स्टार्ट करते हैं, वो बना लेते हैं। तो ये बैंड कुछ काम में ऐसे ही व्यस्त रहेगी कि मेरा ये है, मैं हमेशा बहुत ही पछताऊँगी और फील करूँगी कि उनके बगैर मैं वो गंगा के बारे में जो उन्होंने कहा है, जो लिखा है, जितना भी मुझे मिला है उसको तो मैं यूज़ करूँगी। इसके अलावा जब मैं सांसद बनकर बनने से पहले जो चुनाव में गई थी तो दादा ने बोला सब लोग जा रहे मैं भी आऊँगा। मैंने कहा दादा आप मत आइए, आप प्रचार करने में आपको तकलीफ होगी क्योंकि अलग अलग बहुत सारे गाँव में सब जा रहे हैं। लेकिन दादा ने कहा नहीं, मैं हिमाचली में ज़रूर आऊँगा करके 2 दिन उन्होंने निकाला और बहुत सारे जगह में जाकर बीजेपी के इसमें बहुत सुंदर सुंदर सा उन्होंने गीत लिखा और गाया हुआ, खुद गाया हुआ है। और मेरा भी कभी भी कोई भी फंक्शन हो, कहीं पे भी मुलाकात होती है तो स्टेज पर अगर है दादा तो मेरे बारे में भी उन्होंने ऐसा ऐसा गीत लिखकर सुनाया तो मुझे बड़ा इतनी तारीफ करते थे कि मैं ऐसे दंग रह जाती थी क्योंकि मेरा बैले का सारा नाम लेकर मुझे भी उसमें जोड़ कर धर्म जी को उसमें साथ मिलाकर बच्चों को भी इतना ऐसे एक कभी कभी हमारे बीच कभी हो ही नहीं सकता। तो मैं मुझे बहुत ही खुशी है कि ऐसे इंसान के साथ मेरा साथ रहा है पिछले मेरे ख्याल में 30 साल। हाँ जी, जब से हम रामायण शुरू किया तब से हमारा साथ है। और उनके बारे में सबसे बहुत बड़ी एक ट्रिब्यूट राज कपूर साहब ने दी है क्योंकि राज साहब हमेशा
शंकर जयकिशन, शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी जी, इन तीनों को रखे काफ़ी उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में गाने गीत दिए हैं, संगीत दिया उन्होंने। जब दादा ने, जब राज कपूर साहब ने दादा को लिया राम तेरी गंगा मैली में, तो उन्होंने ये ट्रिब्यूट किया कि मुझे तीनों का साथ का संगम एक मिल गया है एंड वो है दादा रविंद्र सिंह जी। तो इससे बड़ा ट्रिब्यूट और हो ही नहीं सकता है। और हाल ही में उनको पद्मश्री भी मिला। पद्मश्री तो बहुत ही छोटी सी छोटी एक, ये उनको तो बहुत कुछ मिलना चाहिए। ऐसे एक व्यक्ति हमारे बीच थे और हम सब उनके साथ कनेक्टेड थे, यही हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज नहीं है उसके लिए दुख होता है, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे बीच रहेंगे और उन्हीं के आशीर्वाद के साथ हम लोग, हमारा काम तो नहीं रुकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हर वक्त हर क्षण उनको याद करेंगे। उन्होंने ऐसे ऐसे गाने संगीत दिए हैं, इतने ब्यूटीफुल लिरिक्स दिए हैं, इतने अच्छे लिरिक्स के साथ संगीत दिया है, जिसे बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स भी कभी कभी कहते थे कि बहुत मुश्किल का गाना गा रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिंग, यू नो दैट काइंड ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड म्यूजिक, बट इट विल हैव ऑल द क्लासिकल बेस विद द हिंदुस्तानी राग, जो मनोरंजक भी हो। उस किस्म का गीत देने वाले और कोई हमारे बीच तो मैंने तो नहीं देखा, शायद अभी कोई और है उनके आशीर्वाद से मिले। मैं इतना ही कह सकती हूँ, बहुत बहुत अरे अरे कितना नजदीक से जो हमने, जिन्होंने संस्था स्थापित की, सिर्फ और सिर्फ सरस्वती माँ डायरेक्टली उनके अंदर ना बसी हो तो हो नहीं सकता। तक उनके यार उनका ये मुझे मैं रणधीर कपूर साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि वे कृपया अपने परिवार की तरफ से मेरे राज कपूर परिवार की तरफ से, जैन परिवार को मैंने तरफ से कॉन्फ्रेंस में देखा हूँ, भगवान से खुश शक्ति दे। प्रिंस साहब आपने बहुत ही बढ़िया काम किया, सभी फिल्मों में काम किया है और हम तो बहुत चाहने वाले हैं। मेरे पिता जी उनके चाहने वाले कैमरे कुछ नहीं आ रहे मास्टर, थोड़ा और जाओ, पीछे का कैमरा बंद कर दिया आप लोगों ने यार। बहुत बढ़िया संगीत दिया और हम कभी भूल ना पाएंगे जो उनका साथ रहा हमारे साथ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ मेरी प्रार्थना है आपके भगवान उनके परिवार को शक्ति दें। जैन इंटरनेशनल दो दिन पहले आया यूएसए से और मैं एक ही बार बात करना चाहता हूँ, हमारा बॉलीवुड का संगीत जो दुनिया है बहुत बड़ा हम लोग
नुकसान हुआ। रविंद्र जैन जी मेरा बहुत अच्छे मित्र थे और वॉज ए वेरी बिग लिरिसिस्ट म्यूजिक कंपोजर। ही ऑल्सो सैंग फॉर सो मेनी टीवी सीरियल। वेरी वेरी टैलेंटेड। मैं मानता हूँ, मैं भी आज इतना सालों से काम कर रहा हूँ, 45 ईयर्स से संगीत क्षेत्र में। रविंद्र जैन जी जाना हम लोग को बॉलीवुड के लिए बहुत एक क्या बोलूँ, बस खाली हो गया एक जगह। और बस जैन साहब का स्टाइल, उनका स्टाइल ही था, उनका स्टाइल ही रहेंगे। और उनका जो घुंघरू की तरह बजता ही रहा से लेकर हर गाना, चाहे गीत गाता चल हो, चाहे चीत चोर हो, चाहे एनी फिल्म आंखियों के झलके से, हर गाना सुपर डुपर हिट। आज भी ऑल ओवर वर्ल्ड रविंद्र जैन जी को याद करते हैं। मैं एकात्मा का शांति का, मैं अपना दिल से भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ, बस उनका परिवार को ये दुख का जो इतना बड़ा धक्का हुआ, पूरा परिवार को उनका एक ऐसा होना चाहिए जो शक्ति दे। जन्म जब ही होता है तो माँ रहते हैं, मरण आते हैं। तो ये जन्म जब मेरा मम्मी का डेट हुआ था, बहुत बड़ा पंडित जी बुला था और आप भी बैठे हैं, हरे कृष्ण। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैन साहब भगवान का जो इतना अच्छा अच्छा तो इतना अच्छे अच्छे भजन उन्होंने कंपोज किया लिखा, तो बस मेरा तरफ से बब्बी लहरी का पूरा फैमिली का तरफ से जैन साहब के लिए आत्मा का शांति, धन्यवाद। और मैं एक लाइन कहूँगा, तो हम लोग तो सब संगीत के लोग हैं, मंदिर में बैठे हैं, सुरदास जी बैठे हैं, अनूप जी बैठे हैं, भजन सम्राट जी बैठे हैं, क्या हुआ? तो मैं मेरा एक गाना जो है वो एक ही लाइन बोलूंगा, एक शब्द प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में, थक के सो जाएंगे हम लौट आएंगे। तभी उस पथ में बंधता ही